हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक सिस्टम्स के बारे में कि डायनेमिक सिस्टम क्या होता है और स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में मेजर डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो डायनेमिक और स्टैटिक सिस्टम के बारे में बात करें तो जैसा कि आपने अगर वेब डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि दो तरह की वेबसाइट होती है, एक डायनेमिक वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है। जस्ट लाइक वर्क जो सिस्टम होता है इसी तरह से होता है, एक डायनेमिक सिस्टम, दूसरा स्टैटिक सिस्टम। जो डायनेमिक सिस्टम होता है, अगर इनकी डिफिनेशन के बारे में हम बात करें तो जो डायनेमिक सिस्टम होता है वो क्या होता है कि चेंज होता रहता है। किसके बेस पे चेंज होता है? अगर कोई एक्सटर्नल इवेंट्स या इनपुट मिलता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे क्या होता है कि जो डायनेमिक वेबसाइट होती है उसके अंदर क्या होता है, डेटाबेस का यूज होता है। अब क्या करता है कि वो एवरी टाइम जितनी बार हम वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं वो उतनी टाइम क्या होता है कि नए नए कंटेंट्स लेके आता है, या कह सकते हैं कि अलग अलग आउटपुट्स जनरेट करता है, या उसको जिस तरह का इनपुट देंगे उस तरह का आउटपुट जनरेट करता है। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है कि ए सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ओवर टाइम एंड हैज फिक्स कॉन्फिगरेशन, जो क्या होता है टाइम के साथ फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होती है, उसे हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। अब अगर हम टास्क अराइवल की बात कर लें, जब हम रियल टाइम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो रियल टाइम सिस्टम में किस तरह से प्रोसेस रन होंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टास्क अराइवल मतलब जो भी टास्क है, अब जो भी हमारा CPU है कंप्यूटर के अंदर, जो भी CPU है, CPU क्या करता है कि एक एक टास्क को परफॉर्म करता है। टास्क हमारा क्या होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है। तो टास्क किस तरह से अराइवल होता है, जो डायनेमिक सिस्टम होता है उसके अंदर जो टास्क होता है वो रन टाइम पे अराइव होता है। मतलब जब रन टाइम, मतलब जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और प्रोग्राम को किसी इनपुट या इवेंट्स, एक्सटर्नल इवेंट्स की नीड पड़ती है, तब क्या होता है कि वहां पे टास्क को बुलाया जाता है। और यहाँ पे सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो टास्क होता है वो एडवांस में, मतलब पहले से सारी चीजें पता होती हैं, हमें एट अ टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। शेड्यूलिंग कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग क्या होता है कि जो भी CPU है, CPU के अंदर किस तरह से कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम शेड्यूलिंग का यूज करते हैं। तो शेड्यूलिंग क्या करता है कि अब यहाँ पे अगर डायनेमिक सिस्टम की बात करें, हम डायनेमिक सिस्टम के अंदर किस तरह से शेड्यूलिंग होती है, तो वहां पे ये शेड्यूलिंग जो होती है कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है। यहाँ पे जो शेड्यूलिंग होती है डायनेमिक सिस्टम के अंदर हाई होती है और स्टैटिक सिस्टम के अंदर लो होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ड्यू टू नीड टू रिस्पॉन्स टू रन टाइम चेंज, मतलब ये क्या होता है कि रन टाइम में अराइवल होता है टास्क, इस वजह से इसकी जो शेड्यूलिंग कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ा सा हाई हो जाती है। और इसमें क्या होती है कि सारी चीजें पहले से फिक्स होती हैं इसलिए लो होता है। अब रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन, तो रिसोर्स एलोकेशन में क्या होता है कि रिसोर्स एलोकेशन आर एलोकेटेड डायनेमिक बेस्ड ऑन द करंट वर्कलोड एंड डिमांड। अब क्या होता है डायनेमिक बेस्ड, मतलब रिसोर्स कब एलोकेट होगा, जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, मेमोरी के अंदर या कह सकते हैं CPU के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा। अब प्रोग्राम को कोई स्टोरेज चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, या कोई भी डेटा चाहिए मेमोरी से, तब क्या होता है कि एट ए टाइम डायनेमिकली क्या करता है कि उस चीज को एलोकेट करता है, या फिर कह सकते हैं रिसोर्स लेने का काम करता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक सिस्टम के अंदर सारी चीजें प्री डिफाइन होती हैं, प्री एलोकेटेड होती हैं, पहले से सारी चीजें पता होती। तो यहाँ पे रिसोर्स कैन बी प्री एलोकेटेड बेस्ड ऑन नोन रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी पहले से ही स्टैटिक सिस्टम के अंदर सारी चीजें प्री डिफाइन होती है। प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्रेडिक्टेबल क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है डायनेमिक सिस्टम के अंदर प्रेडिक्टेबल लेस होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि मोर मतलब हाई होता है। किस लिए होता है? ड्यू टू रन टाइम चेंज, क्योंकि जो डायनेमिक सिस्टम होता है इसके अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं एट रन टाइम पे होते हैं। तो टास्क जो अराइवल होता है, रिसोर्स की डिमांड होती है, ये सारी चीजें क्या होती है एट रन टाइम पे होता है। और यहां पे क्या होता है कि सारी चीजें पहले से डिफाइन होती है, एडवांस में सारी चीजें पता होती हैं, इसलिए इसमें प्रेडिक्टेबल मोर ज्यादा होता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात कर ले, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है दोनों सिस्टम के अंदर, तो जो हमारा डायनेमिक सिस्टम होता है मोर फ्लेक्सिबल होता है, सिंस जो भी सिस्टम है कैन अडॉप्ट
टू चेंजिंग डिमांड। अब क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो भी डिमांड्स होती है उसके अकॉर्डिंग पेज पूरा चेंज हो जाता है या फिर पूरा सिस्टम अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। मतलब इसमें रोल डिफाइन होते हैं सारी चीजें, मतलब अगर कई रोल डिफाइन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का, इसके लिए कुछ अलग इंटरफेस होगा, इसके लिए कुछ अलग इंटरफेस होगा, इसके लिए कुछ अलग इंटरफेस होगा, तो मतलब हर चीज के लिए। तो ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी सिस्टम में सारी चीजें जो होती है फिक्स होती है, वो चाहे किसी भी टाइप का यूजर हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब अगर परफॉर्मेंस की हम बात कर ले, परफॉर्मेंस किस तरह से करता है, तो जो हमारा डायनेमिक सिस्टम होता है थोड़ा सा लो काम करता है। लो इसलिए करता है क्योंकि ये एट रन टाइम के ऊपर करता है, मतलब किसी भी रिसोर्स की अगर नीड पड़ती है रन टाइम में ओवरहेड क्या करता है, रिसोर्स एलोकेशन डिले हो जाता है किसी भी टाइम से, ठीक है, मेमोरी के अंदर रिसोर्स का एलोकेशन करना, फिर उसके बाद जो भी चीजें हैं उसको स्टोर करना, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि डेटाबेस का यूज नहीं होता, इससे स्टैटिक सिस्टम के अंदर बहुत कम यूज होता है, तो इसमें क्या होता है, इस वजह से ये हायर होता है, इसका परफॉर्मेंस हायर होता है, ठीक है। और आगे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जैसे क्या हो गया, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे आप IRCTC पे रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि डायनेमिक सिस्टम, अब जैसे क्या करते हैं, आप अपना नेम फिल किया, डेट फिल, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आपसे कुछ डेटा मांगा जाता है, ठीक है। अब वहां पे क्या हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि स्टैटिक सिस्टम के अंदर असेंबली लाइंस हो गई, एयर ट्रैफिक हो गई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जो पहले से सारी चीजें डिफाइन होती है, पावर ग्रिड सिस्टम होता है, इसमें कोई भी एट टाइम रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है कि एट टाइम क्या होता है कि अब यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, पैरेलल चलते रहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में। तो यहाँ पे डायनेमिक सिस्टम का यूज किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम में क्या मेजर डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय गाइस।